सीरियल अनुपमा में अब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, जिसमें अब अनुपमा की ही ननद यानी कि वनराज की बहन भड़कते नजर आएगी अपने ही घर वालों पर और बनाएगी एक नया रिश्ता। आने वाले एपिसोड में अब जहाँ जिस तरह से अनुपमा और अनुज की बेइज्जती करके घर से निकाला गया है, लेकिन अभी भी डोली तो अनुज को ही अपना भाई मानती है और वो वनराज की जगह अब अनुज से रिश्ता निभाती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, जहाँ पर अब रक्षाबंधन के त्योहार के दिन डोली खुशियों से घर भरते नजर आएगी। तो दूसरी तरफ होगी अनुपमा के भाई की भी एंट्री और वो भी उसे राखी बांधते नजर आएगी और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलेगा एक छोटी सी अनु, जिसके दो दो भाई हैं यानी तोशु और समर, लेकिन दोनों ही यहाँ पर सपरिवार से रिश्ता टूटने की वजह से नजर नहीं आएंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलेगी समर की वापसी, जो एक नए चेहरे के साथ लौटेगा और वही छोटी अनु से अब राखी बंधवाते नजर आएगा। तो रक्षाबंधन के दिन होगी नए समर की एंट्री, अब वो समर अनुपमा से एक नया रिश्ता निभाते नजर आने वाला है और छोटी सी अनु का ध्यान रखते नजर आएगा और उसे वादा करेगा कि वो हमेशा अपने भाई होने का फर्ज निभाएगा, चाहे कुछ हो जाए, वो परिवार अपना रिश्ता रखे या ना रखे, लेकिन समर छोटी अनु से रिश्ता हमेशा रखेगा। और दूसरी तरफ डोली बहन यहाँ पर वनराज से रिश्ता तोड़कर निभाते नजर आएगी अनुज से अपना रिश्ता और उसे राखी बांधते नजर आएगी।